ढिंकिया एवं जिंदल गुलमबाजी शिल्प स्थापना करवाई एवं ढिंकिया किसी एरिया को नहीं शिल्प स्थापना करूँ जो एरिया दीर्घ दिन धरी बसचि स्थापना करजर पर प्रतिपोषण करने किसी दुकान किसी रोजगार करुँच से ही जगह शिल्प स्थापना करिंदल यहाँ सीधा सड़क गवर्नमेंट अर्थात ओडिशा गवर्नमेंट सपोर्ट करपोर्ट करवा दरकार ये ठीक कथा कारण ओडिशा शिल्प स्थापन करवा अत्यंत आवश्यक किंतु जो माने पूर्व पुरुष आरंभ कर सेठार निजर बसचि स्थापन करें कि प्रतिपोषण पर कि रोजगार करुँचे भाव से किसी थैथान नक से जो जिंदल शिल्प स्थापन करते दूर ठीक से आज किसान मोर्चा तरफ आज लोयर पीएमजी में सीधा सड़क ये विक्षोभ प्रदर्शन करी जहाँ रही गुंडाराज संपूर्ण भाव में बंद करने आज आसी से जो मैंने मुतयन होता पुलिस मैंने सीधा सड़क ढिंकिया बसचि स्थापन कर लोक मान सीधा सड़क अत्याचार करुच्ची तेज आम सीधा सड़क कथा कौन कहे ढिंकिया जो भाई भाव में शिल्प स्थापना पर बड़ पड़ुंट साधारण जनता यह विषय कौन कहे सुदर्शन प्रधान जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी ओडिशा और संयुक्त किसान मोर्चा आपत जानते जो भाई भाव यह एक गणतंत्र राष्ट्र आम गर्व करुचे कि जो भाई भाव में ढिंकिया चारिदेश साधारण चाषी मौलिया खटिकिया मान लोक मानकर जो जीवन जीविका को नष्ट कर दि जाऊँ से पानमरज मीन धान समस्त संपद को नष्ट जिंदल एवं सरकार जो भाई भाव से अत्याचार करश्चित भाव में आपण मैंने विभिन्न मीडिया आपण मैंने जानुथे जो भाई भाव में अनैतिक भाव से घर द्वार भांगुं बरज भांगुं से ना मिछ मकदमा करपरिक छोट छोट शिशु भी बात पड़ूना महिला बात पड़ूना साधारण वर्गर लोक मैंने वयस्क लोक मैंने बात पड़ूना कंपानी जिंदल कंपानी तार सरकारी गुंडा पुलिस एवं प्राइवेट गुंडा रखिक जो भाई भाव में अगणतांत्रिक भाव आंदोलन को दबाई मिथ्या मकदमा रुजुरी से आक्रमण कर चली विरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चा जोरदार आंदोलन जारी रखी आपण मैंने विश्वास करेंगे नहीं जो भाई भाव से कौन सी जिंदल कंपानी कौन सी से अनुमति न थी आपणकर सब अनुमति को से टालटुल करके गुंडामी करके जिंदल प्रतिष्ठा करने चाहते यह के बर्दास्त करना जदि आम देखा ओडिशा एक गरीब राष्ट्र जदि ओडिशा जदि आम किसी शिल्प स्थापना कराए तो ओडिशावासी लाभ हुए तेज आप कहीं विरोध कर शुणु आम शिल्प को विरोध करूना कि जो भाई भाव में साधारण लोक मान हजार वर्षर जो भिटा भेटी जीवन जीविका को लेकिन से हजार हजार लोक बंचुंच शिल्प करने तो अनेक जगह अच्छी मान नुहे सस्यश्यामल प्राकृतिक संपद को ध्वंस कर शिल्प प्रतिष्ठा करवा मुझे सूचे देखा चाहे बेल पाचिले कौर कि लाभ ए देशर अनेक शिल्प रही जो मैंने विस्थापित होती से पर्यटन भी भिटामाटी से हर से किसी थैथान पर्यटन भी हो पारना आपण मानक नजर देवी 1960 दशक हीराकुद डैम जो मैंने विस्थापित होते हीराकुद डैम हो सारा राज्य को पा जगेला से विस्थापित लोक मैंने आज देशर चार बुलूं से कौन भिटामाटी ना से कौन जीवन जीविका ही ना तेणु शिल्प आम मना करूना कि शिल्प मैने नुहेजे सस्यश्यामला परिवेश को ध्वंस कर हजार हजार वर्षर चाषी खटिका मेहनती मनुष्य मानकर पान मीन बरज को ध्वंस करके शिल्प प्रतिष्ठा करवा तेणु शिल्प क्या स्वार्थ शिल्प केवल से पुंजीपति मानक स्वार्थ शिल्प साधारण चाषी खटिका मेहनती मात्र स्वार्थ नुहे आम नवेदन करमें ओडिशार समस्त चाषी संप्रदाय चाषी कूल जो भाई भाव में ढिंकिया अगणतांत्रिक भाव से भागर बर्बर्चित अत्याचार जारी रखिंट ता आखिर लुह निश्चित भाव में एक दुर्बार आंदोलन सृष्टि हम चाषी एकता जिंदाबाद जिंदल एकता जिंदल विरुद्ध आम से ढिंकियावासी को निवेदन करुँ आंदोलन जारी रहा है सारा ओडिशार समस्त चाषी कूल खटिका चाषी मेहनती मनुष्य यह आंदोलन निश्चित भाव में एक दुर्बार अंगीकारबद्धता नहींकर से जिंदल कंपानी को हटेबे आम यही पद्र शपथ आप मना कर शस्य श्यामल से भाव शिल्प स्थापना होनेक जगह
ରହିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା କରି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସେଇଠି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା ପେ ସାର କଣ କହିବେ ଯେଉଁଠି ଶସ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସେଇଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଯେଉଁଠି ଧାନ ମିନ ଧାନର ସମ୍ପଦ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦମନ କରୁଛୁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଶୁଣିବା ବାଧ୍ୟ ହେବେ କାରଣ ସାଧାରଣ ଜନଗଣ ଏ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନଙ୍କୁ ମାନେ ଏକାଠି କରିବୁ ସଂଗଠିତ କରିବୁ ଜିନ୍ଦଲ କେମ୍ପରେ କେବଳ ଢିଙ୍କିଆ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଢିଙ୍କିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଠି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନଗଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯଦି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ତେବେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା ପୁଞ୍ଜିପତି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିସିଆନ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କିଷାନ ମୁଚା ତରଫରୁ ତେବେ ଶିଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଅନେକ ଦିନରେ ଧରି କୃଷକ ଏବଂ କୃଷିମାନେ ସେଠି ନିଜର ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଚାଷ କରନ୍ତି ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଷାନ ମୁଚା ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଏହି ବିରୋଧୀ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବା କେତେ ଦିନ ପରେ ଢିଙ୍କିଆରେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ ଚାଲିଛି ବା ଢିଙ୍କିଆରେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀର ରାଜ ଚାଲିଛି କେବେ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଉଠୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୋମନାଥ ସହିତ ଗଣସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଏବି ନ୍ୟୁଜ୍